हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैं आपको एक फेस पैक के बारे में बताऊंगी, जो फेस पैक आप हर स्किन टाइप के लिए सूट करता है। ठीक है, ऑयली स्किन, नॉर्मल स्किन एंड ड्राई स्किन, इन ये तीन स्किन टाइप के लिए ये फेस पैक जो मैं बताऊंगी वो सूट करता है। एंड इससे आपका स्किन बहुत ही ग्लोइंग होगा एंड बहुत ज़्यादा आपका स्किन हेल्दी रहेगा। ठीक है, तो ये फेस पैक अगर आपका एक्ने है तो भी आप इसे यूज कर सकते हो। ठीक है, आपका ऑयली स्किन है, बहुत ज्यादा ऑयल फेस पे प्रोड्यूस होता है, उस पर भी आप ये फेस पैक यूज कर सकते हो। ठीक है, सो इसमें आपको सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताऊंगी एंड बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ आप ये फेस पैक घर पे बना सकते हो एंड विदाउट एनी हार्मफुल केमिकल्स आप अपने अपने स्किन को बहुत ही सुंदर एंड ब्यूटीफुल कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए मैं दिखाती हूँ, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कैसे हम ये फेस पैक बनाएंगे। ठीक है, सो ये जो फेस पैक बनाने के लिए आपको चाहिए दो चीजें। ठीक है, पहला है ग्राम फ्लावर। ठीक है, तो इसमें मैं 2 चम्मच 2 टीस्पून मैं इसमें ग्राम फ्लावर दे रही हूँ। ठीक है, 2 टीस्पून ही आपको चाहिए और जितना आपका क्वांटिटी आपको लगे उतना ही आपको देना है। ठीक है, और इसमें आपको ऐड करना है मिल्क। ठीक है, रॉ मिल्क, तो रॉ मिल्क आपको ऐड करना है इसमें। तो मैं इसमें आप देख सकते हो रॉ मिल्क इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, ये भी आपको 3 टीस्पून, अगर 2 टीस्पून आप बेसन लेते हो यानी कि ग्राम फ्लावर लेते हो तो उसमें आपको चाहिए 3 टीस्पून मिल्क। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से आपको मिक्स करना है। ठीक है, आपको इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से आपको मिक्स करना है इसको। ठीक है, ठीक से मिक्स करना है इसको, जिससे इसमें कोई भी दाना दाना सा ऐसा ना रहे। ठीक है, अच्छे से मिक्स हो जाए। ठीक है, तो हो गया हमारा फेस पैक रेडी। सो गाइस, अभी मैं इसे अपने फेस पे अप्लाई करूँगी। ठीक है, तो आपने देख लिया मैंने कैसे ये फेस पैक तैयार किया। ठीक है, अभी मैं इसे ब्रश के हेल्प से मैं इसे अपने फेस पे लगाऊंगी। ठीक है, आप हाथ से भी यूज कर लगा सकते हो, लेकिन मेक श्योर कि आपका हाथ क्लीन हो। ठीक है, एंड ब्रश से ज़्यादा इजी होता है तो मैं ब्रश से ही लगाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। तो आपको इसको पूरे फेस पे अपने लगा लेना है। तो जो बेसन होता है, ठीक है, उसमें आपको, अगर आप बेसन यूज़ करते हो तो इससे अच्छा क्लींजर आपके फेस के लिए नेचुरल क्लींजर होता नहीं है कुछ। बेसन बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, एंड बहुत अच्छी चीज़ है बेसन की, कि ये हर स्किन के लिए सूट करता है और इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट्स आपको नहीं होता है। ठीक है, सो खास करके ये जो ऑयली स्किन होता है, ठीक है, जैसे मेरा स्किन है ऑयली है। ठीक है, तो बेसन यूज़ करने से आपका जो ऑयली स्किन होता है वो बेसन ऑयली स्किन के लिए बहुत ही बेहतर माना जाता है एंड ये स्किन को बहुत अच्छे से क्लीन करता है। ठीक है, सो नेक पे भी अप्लाई करूँगी मैं, और आप इसको पूरे बॉडी पे, हाथ पे, ठीक है, हैंड्स पे, क्योंकि हैंड्स भी हमारा ओपन रहता है। ठीक है, तो जो ओपन एरियाज होते हैं वहाँ पे आपको इस फेस पैक को लगाना है, ताकि आपका आपके फेस के साथ साथ आपका नेक एरिया और हैंड्स भी बहुत क्लीन एंड सॉफ्ट एंड ब्यूटीफुल रहे। तो इसको आपको पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई करना है एंड सिर्फ लिप्स पे, ठीक है, लिप्स पे नहीं लगाना आपको एंड अपने आईज के आसपास नहीं लगाना है, क्योंकि
आईज के जो एरिया होते हैं वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, तो वहां पे फेस पैक नहीं लगाया जाता। ओके, सो ईयर्स पे भी आपको लगाना है, ठीक है? क्योंकि बहुत बार हम ईयर्स भूल जाते हैं, ईयर्स पे लगाना, सो वहाँ पे भी आपको लगाना है। तो आप देख सकते हो मैंने फेस पैक पूरा लगा लिया अपने फेस पे, ठीक है? अभी इसको आपको 15 to 20 minutes तक रखना है, ठीक है? 20 minutes तक रखना है। अगर आपको लगता है कि ज़्यादा ड्राई हो रहा है, कुछ स्किन में होता है कि बहुत पहले बहुत जल्दी सूख जाता है, ड्राई हो जाता है, तो आपको उसके लिए आपको 10 minutes रखना है, ठीक है? तो अदरवाइज अगर आप देखते हो नॉर्मल है, फिर आप 15 to 20 minutes उसे रखो, फिर अपना फेस वॉश कर लो क्लीन वाटर के साथ, ठीक है? सो मैं आपको फेस क्लीन करके फिर आपके पास वापस आती हूँ। तो गाइस, यू कैन सी कि मेरा फेस पैक यूज करने के बाद मेरा स्किन कितना क्लियर हो गया है, कितना क्लियर लग रहा है, एंड बहुत ज़्यादा पहले से ग्लो भी कर रहा है, ठीक है? तो आप फर्क देख सकते हो, पहले जब जब मैंने इसे यूज करने के पहले मेरा फेस कैसा लग रहा था, और अभी कैसा लग रहा है, तो यू कैन सी द डिफरेंस। एंड इसे आप भी यूज कर सकते हो, बहुत इजी इजी था ये फेस पैक, ठीक है? एंड पैक बनाना बहुत इजी है, एंड ये आप दिन में एक बार ही करो, एंड हफ्ते में 3-4 बार आप इसे कर सकते हो, या फिर डेली भी कर सकते हो, आपकी वो आपके फेस पे डिपेंड करता है, ठीक है? आपका फेस कैसा है, ठीक है? सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक माई कॉन्टेंट, देन प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड टेक केयर ऑफ यू एंड योर फैमिली ऑल्सो, एंड थैंक यू, बाय।